तुर्की और सीरिया में भूकंप से हुई तबाही लोगों पर कहर बनकर टूट पड़ी। दोनों देशों में मौत का आंकड़ा 41,000 के पार जा चुका है। तुर्की में भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। वहां रेस्क्यू ऑपरेशन के 10वें दिन एक महिला की जिंदगी बचाई गई। एक एक जिंदा बचती जान भी उम्मीदों को जिंदा रखे हुए है। जैसे ही बचाव कर्मियों को महिला के दबे होने की जानकारी मिली, तुरंत वहां तक बचाव कर्मी पहुंच गए और उसे सुरक्षित बाहर निकाला। तुर्की और सीरिया में 6 फरवरी को शक्तिशाली भूकंप आया था। इसमें अब तक 41,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। भूकंप के 9वें दिन बाद भी इमारतों के मलबों में जिंदगियों की तलाशने की कोशिश जारी है। रेस्क्यू टीमें 9 लोगों को मलबे से जिंदा निकाल चुकी हैं। तुर्की में जिन लोगों को रेस्क्यू किया गया उनमें 2 भाई शामिल हैं, जिनकी उम्र 17 और 21 साल है। इन्हें कहराम नमारस प्रांत में अपार्टमेंट के मलबे से बाहर निकाला गया। उधर अंटाकिया में एक सीरियाई पुरुष और महिला का भूकंप के करीब 200 घंटे बाद रेस्क्यू किया गया। इसके अलावा भी 4 और लोगों का रेस्क्यू हुआ। रेस्क्यू टीम्स का दावा है कि अभी भी और लोगों को जिंदा बचाया जा सकता है। तुर्की में भूकंप से 12,000 इमारतें तबाह हुई हैं। ऐसे में लाखों लोग बेघर हो गए। ये लोग सड़कों पर राहत शिविरों में रहने के लिए मजबूर हैं। दूसरी ओर भीषण ठंड का कहर भी लगातार बरपा रहा है। ऐसे में इन लोगों को भूख के लिए समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अब उन्होंने कहा कि राज्य में स्थिति काबू में है। हालांकि उधर यूएन का कहना है कि जल्द ही रेस्क्यू अभियान खत्म होने वाला है। ऐसे में अब फोकस लोगों को आश्रय और खाना और बच्चों को शिक्षा देने पर होगा। बता दें, इस रेस्क्यू ऑपरेशन में भारतीय सेना भी अपना बराबर योगदान दे रही है। भारतीय सेना ने तुर्की में फील्ड हॉस्पिटल बनाया। सेना की मेजर बिना तिवारी बताती है, शुरुआत में फोकस ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर वाले लोग हैं। ये लोग भूकंप के बाद से सदमे में हैं। सीरिया और तुर्की में लोगों का कहना है कि उनका 9 साल का बच्चा रात में सोता है तो अचानक चौंककर उठ जाता है, चिल्लाने लगता है। और ऐसे ही हालात बाकी लोगों के भी हैं। कुल मिलाकर कुछ सेकंड की ये तबाही जिंदा लोगों को जिंदगी भर के जख्म दे गई है। जिसमें सदमा है, इसे झेलने का और अपनों को खोने का भी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।